ये है वक्त मीडिया। ताबिश के बाद उस बावकार शायर को आवाज दी जाए जिसका ताल्लुक झांसी की सरजमीन से है। हम बहुत अदब के साथ अब्दुल जब्बार शारिफ साहब से गुजारिश गुजार हैं कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो, और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती हैं, तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। आइए मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब अब्दुल जब्बार शारिफ झांसवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत निजामत के लिए बहुत मुबारकबाद जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, उनकी किताब के रस्म पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके जश्न के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इजाजत जी सर जी, पढ़िए पढ़िए। इजाजत चार मिसरे मैं खूबसूरत निजामत के नाम पहले जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। लफ्ज गौर से तोल रहा है, लफ्ज गौर से तोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। वाह, लफ्ज गौर से तोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। खुशबू सी हर समत है बिखरी, खुशबू सी हर समत है बिखरी, कौन ये उर्दू बोल रहा है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। खुशबू सी हर समत है बिखरी, कौन ये बोल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। खुशबू से हर संत है बिखरी, वाह कौन ये उर्दू बोल रहा है। आइए हजरत असलम भाई तशरीफ रखें, आइए एक शेर से आगाज करता जी। इनायत कुछ मुतफर्रक शेर, कुछ कतार। शेर मुलादा फरमाए कि उसकी नजर में खोट जो आई तो यूं हुआ, उसकी नजर में खोट जो आई तो यूं हुआ, उसकी नजर में खोट जो आई तो यूं हुआ, बरकत के साथ रिस्क की लज्जत चली गई। उसकी नजर में खोट जो आई तो यूं हुआ, बरकत के साथ रिस्क की लज्जत चली गई। और एक शेर और मुलाजा फरमा लें हजरात के, बरकत के साथ रिस्क की लज्जत चली गई, और जब उसकी आंख में देखे शिकस्त के आंसू। अच्छा, जब उसकी आंख में देखे शिकस्त के आंसू, तमीज नहीं बांधूंगा आप वहां तक पहुंचेंगे कि जब उसकी आंख में देखे शिकस्त के आंसू, बदल के पैतरा हम खुद खुशी से हार गए। वाह वाह, बहुत अच्छा। जब उसकी आंख में देखे शिकस्त के आंसू, वाह वाह, जब उसकी आंख में देखे शिकस्त के आंसू, बदल के पैतरा हम खुद खुशी से हार गए। एक शेर और मुरादा फरमाएं कि साहिल की रेत प्यासी थी, प्यासी ही रह गई। साहिल की रेत प्यासी थी, प्यासी ही रह गई, कितने करीब आके समंदर गुजर गया। वाह, साहिल की रेत प्यासी थी, प्यासी ही रह गई, प्यासी ही रह गई, कितने करीब आके समंदर गुजर गया, कितने करीब आके समंदर गुजर गया। कतबुलादा फरमाए के उनसे जब मिलकर यहाँ बिछड़े तो अंदाजा हुआ, वाह
उनसे जब मिलकर यहाँ बिछड़े तो अंदाजा हुआ जख्म सदियों का था लेकिन आज फिर ताजा हुआ। जख्म सदियों का था लेकिन आज फिर ताजा हुआ। और अहले साहिल तो कयास आराइया करते रहे, अहले साहिल तो कयास आराइया करते रहे, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा हुआ। वाह क्या कहने, डूबने वालों को गहराई बहुत अच्छे। क्या कहने शारिफ साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, फिर से पढ़िए, पढ़ते रहिए। डूबने वालों को गहराई का अंदाजा हुआ। और शेर मुलाजा फरमाए कि करम नवाज करम की असास रहने दे, करम नवाज करम की असास रहने दे, फजाए गम में मोहब्बत की आस रहने दे, करम नवाज करम की असास रहने दे, फजाए गम में मोहब्बत की आस रहने दे, वो कबाए शब्द नहीं तो कबाए दर्द सही। वाह कबाए शब्द नहीं तो कबाए दर्द सही, जमी के जिस्म पर कोई लिबास रहने दे। बहुत अच्छे। क्या कहने जिंदाबाद। कबाए शब्द नहीं तो कबाए दर्द सही, जमी के जिस्म पर कोई लिबास रहने दे। बहुत शुक्रिया। कुछ भी हो सकता है, अच्छा है, कुछ भी हो सकता है शहरे जुनून में, लेकिन वाह वाह क्या कहने। कुछ भी हो सकता है इस शहरे जुनू में, लेकिन संग का शीशे से टकराव नहीं हो सकता। वाह क्या कहने। कुछ भी हो सकता है इस शहरे जुनू में, लेकिन संग का शीशे से टकराव नहीं हो सकता। मुझको महफिल से उठाया है मेरे अपनों ने। अच्छा, मुझको महफिल से उठाया है मेरे अपनों ने। मुझको महफिल से उठाया है मेरे अपनों ने, दुश्मनों से तो ये बर्ताव नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। क्या कहने अब्दुल जब्बार शारिफ साहब, जिंदाबाद। वाह वाह। मुझको महफिल से उठाया है मेरे अपनों ने, दुश्मनों से तो ये बर्ताव नहीं हो सकता। शरीफाना उसूलों से बगावत हम नहीं करते। वाह वाह। शरीफाना उसूलों से बगावत हम नहीं करते। वाह वाह। मोहब्बत खुल के करते हैं, तिजारत हम नहीं करते। क्या कहने। जिंदाबाद। बहुत अच्छा है शारिफ भाई, बहुत। शरीफाना उसूलों से बगावत हम नहीं करते, मोहब्बत खुल के करते हैं, तिजारत हम नहीं करते। और कुशादा है हमारा दामने दिल कोई भी आए। वाह कुशादा है हमारा दामने दिल कोई भी आए, सियासत आप करते हैं, सियासत हम नहीं करते। बहुत अच्छे। क्या कहने शारिफ साहब, जिंदाबाद। सियासत आप करते हैं, सियासत हम नहीं करते। कैफो राहत का वो उनवान नहीं हो सकता। क्या कहने। कैफो राहत का वो उनवान नहीं हो सकता, दीनो मिल्लत का निगेबान नहीं हो सकता। और जो किसी देश में फैलाता हो दहशतगर्दी, वो कोई भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह वाह। जो किसी देश में फैलाता हो दहशतगर्दी, वो कोई भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। सही बात। तो ऐसी किताब रखते हैं एक मतलब ठीक। हम तो ऐसी किताब रखते हैं जिंदगी का जवाब रखते हैं। हम तो ऐसी किताब रखते हैं जिंदगी का जवाब रखते हैं। रोशनी भीख में नहीं लेते, घर में हम आफ्ताब रखते हैं। क्या कहने। वाह हम तो ऐसी किताब रखते हैं जिंदगी का जवाब रखते हैं। वाह रोशनी भीख में नहीं लेते, घर में हम आफ्ताब रखते हैं। ठीक है, आइए एक मतलब दो तीन शेर। हाँ चलिए बेहतर है, हाँ ऐसा ही कर लीजिए, बेहतर है, बहुत अच्छा। गजल का मतलब सुनाता हूँ। रेलवे में जॉब करता था,
कोताहियां होती हैं, मतलब किसी की नजर नहीं करता, मतलब मैं वो अपनी नजर खुद कर लेता जी जी जी। मुलाहजा फरमाए कि रिश्ते हलाल मुझको कमाने नहीं दिया, रिश्ते हलाल मुझको हलाल कमाने नहीं, रिश्ते हलाल मुझको कमाने नहीं दिया, ईमान जरूरतों ने बचाने नहीं दिया। रिश्ते हलाल बहुत अच्छा से, वाह वाह, ईमान जरूरतों ने बचाने नहीं दिया। और उसने मतलब मुलाहजा फरमाए कि मुझको चरागे शौक जलाने नहीं दिया, मुझको चरागे शौक जलाने नहीं दिया, इस बार कोई मौका हवा ने नहीं दिया। वाह वाह, मुझको चरागे शौक जलाने नहीं दिया, और इस बार कोई मौका हवा ने नहीं दिया, और अल्लाह का है शुक्र, अल्लाह का है शुक्र मेरे अज़्म ने मुझे, वाह अल्लाह का है शुक्र मेरे अज़्म ने मुझे, एहसान ना खुदा का उठाने नहीं दिया। वाह अल्लाह का है शुक्र मेरे अज़्म ने मुझे, एहसान ना खुदा का उठाने नहीं दिया। और यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए कि एहसान ना खुदा का उठाने नहीं दिया, और इस वास्ते कि हमसे ना हो जाए ये जुदा। बहुत अच्छा, इस वास्ते कि हमसे ना हो जाए ये जुदा, बच्चों को हमने भीड़ में जाने नहीं दिया। वाह इस वास्ते बहुत अच्छे, हमसे ना हो जाए ये जुदा, क्या कहने, भीड़ में जाने नहीं दिया। और जहन में सिर्फ बेटी रखे और शेर मुलाजा जी कि बच्चों को हमने भीड़ में जाने नहीं दिया, तेजाब सा छिड़क दिया हर सू फजाओं में। वाह वाह, तेजाब सा छिड़क दिया हर सू फजाओं में, उसने गुलों को शाख पे आने नहीं दिया। वाह, तेजाब सा छिड़क दिया हर सू फजाओं में, तेजाब सा छिड़क दिया हर सू फजाओं में, उसने गुलों को शाख पे आने नहीं दिया। बहुत बहुत, उसने गुलों को शाख पे आने नहीं दिया, और खाकर फरेब हंसते रहे हम तो बारहा। अच्छा, क्या कहने, खाकर फरेब हंसते रहे हम तो बारहा, आंखों में आंसुओं को भी आने नहीं दिया। बहुत अच्छा है शारी, खाकर फरेब हंसते रहे हम तो बारहा, आंखों में आंसुओं को भी आने नहीं दिया। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाने के गुर्बत तो चाहती थी सहारे तलब करूं। वाह, गुर्बत तो चाहती थी, गुर्बत तो चाहती थी सहारे तलब करूं, गैरत ने मेरी हाथ बढ़ाने नहीं दिया। अच्छा, गुर्बत तो चाहती थी सहारे, बहुत अच्छे तलब करूं, गैरत ने मेरी हाथ बढ़ाने नहीं दिया, और जिस पे यकीन था धोखा उसी ने दिया मुझे, जिस पे यकीन था धोखा उसी ने दिया मुझे, दिल ने फिर उससे हाथ मिलाने नहीं दिया, दिल ने फिर उससे हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इनायत मिलाने नहीं दिया। और शारिब ने जब्त कर लिया दुनिया का हर सितम, क्या कहने, शारिब ने जब्त कर लिया दुनिया का हर सितम, शिकवा कभी जबान पे आने नहीं दिया। बहुत बहुत कभी जबान पे आने, बहुत अच्छे शारिब साहब, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बहुत सीनियर बना के पढ़ाया गया, मैं नहीं समझ पाया कि ये मेरे साथ क्यों हादसा हुआ। नहीं, देखिए ये हादसा नहीं है, बल्कि आपकी इनकसारी है कि आप अपने कद की बुलंदी को महसूस नहीं करते। आपकी जो अजमत है, आपका जो वकार है, आपका जो मयार है, सच मानिए आप इसी के लायक है, कोई बात नहीं है। नहीं, आप देखिए शारी भाई, आप ही दूसरे अंदाज से भी मायूस ना हो, क्योंकि कुछ सुन्नतें भी ऐसी होती हैं जो फर्जों के बाद में ही अदा की जाती हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आइए मैं आवाज। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे।
मैं शफी खान वक्त मीडिया के लिए।